बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, हम लोग उसके लिए रिस्पांस को लेकर बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी एंक्शियस थे, काफ़ी नर्वस थे कि लोग जब ट्रेलर देखेंगे तो कैसा रिस्पांस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 15 मिलियन शायद हमारे व्यूज़ हो गए आज रात तक, 15 मिलियन हो जाएंगे। तो मतलब ये तो मतलब आपने खुद का सवाल का जवाब दे दिया, अगर ऐसी बात है, अगर मतलब बार बार लोग देख रहे हैं तो और भी मज़ा आता होगा, एंड इसको लेकर हम लोग बहुत खुश हैं। नहीं नहीं सॉफ्ट नहीं रहा है, आप लोगों ने उछाला था वो न्यूज़ ना कि बैन हो गई हमारी फिल्म। एक्चुअली हमारी फिल्म बहुत सारे स्क्रीनिंग्स के बाद पास हुई है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने बहुत फेयर डिसीजन लिया हमारी फिल्म के साथ। जो फिल्म का प्लॉट है, जो फिल्म की फ्लेवर है, उसको बरकरार रखते हुए हमने सेंसर सर्टिफिकेट पाया है। सो इट्स बीन अ वेरी गुड प्रोसेस, फेयर प्रोसेस, बट सॉफ्ट नहीं रहे। मेरी एक ही फिल्म आ रही है, इनकी दो फिल्में आ रही हैं, वो मार्च में आएगी, एंड मार्च में आएगी। रिलीज डेट तो प्रोड्यूसर प्लान करता है, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर प्लान करते हैं, उन्हीं के मतलब उन्हीं का डिसीजन होता है, तो वो डिसाइड क्यों करते हैं साथ में आना, ये मैं समझ नहीं सकता हूँ। पर फिलहाल तो पहले क्या कूल है M3 आ रही है, तो उसी की बात करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बिजी होंगे आप लोग प्रमोशन के लिए, आप फिलहाल तो है, लेकिन क्या करें, क्योंकि हम लोग को करना पड़ता है प्रमोशन, बहुत ज़रूरी होता है हर फिल्म के लिए, एक विजिबिलिटी होती है। और इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ना सिर्फ ही टीवी बल्कि डिजिटल, ऑन इंटरनेट, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए प्रमोट करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका काम प्रमोशन के तौर पर बढ़ जाएगा। जी जी, ये जानना चाहूँगा कि जब कोई आर्टिस्ट एडल्ट कॉमेडी में काम करता है तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सपेक्ट नहीं होता कि फ्यूचर में उनको काम मिलेगा, उसी रूप में काम मिलेगा, कोई सीरियस रोल देगा नहीं। आई थिंक ऑडियंसेस अभी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, ऑडियंसेस को पता है और कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और अगर फिल्म चलती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत बहुत अच्छा काम किया, और अगर हम लोग इसके बाद कुछ और करते हैं या कुछ ड्रामा या एक्शन या थ्रिलर करते हैं और अगर वो पिक्चर चलती है तो ऑडियंस को ये बात शायद याद नहीं रखे कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया। ऑडियंस हर फ्राइडे के ऊपर जाती है, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वी विल बी बिजी प्रमोटिंग अ फिल्म ऑल मंथ, सो वी डोंट नो व्हाट आवर प्लान इज ऑन व्हिच डे, बट आई एम सीइंग यू इन अनएक्सपेक्टेडली एवरीवेयर। I think you are on some marathon, you're following us. Yeah, you are on a marathon. Yeah. Pretty much, yeah, you've got a time, you know that. So anyways, you know, if given a chance, do you think you guys could probably complete a 21 kilometer or a 42 kilometer marathon? I don't think I'm able to complete it. 21 kilometers is a lot, 21 kilometers. Yeah, but you don't have to complete it really fast, long as you complete it. Yeah, I'll be able to complete it. Yeah. You'll be able to. Yeah, yeah. Are you going to complete it? I think you've completed 21 kilometers following us. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Thank you.